तो देख लो यार, इस तरह से की जाती है लॉन्ग राइड्स एक दिन में। एक बात हमको समझ में नहीं आई कि भाई क्या सोच के जगह का नाम रखा है काला बकरा। तो पायल आ चुकी है, देखो रिएक्शन। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशांत और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। नहा चुका हूं और निकलने के लिए तैयार हूँ। जहाँ हमने पीछे कहीं टेंट लगाया था वहाँ से टेंट लेकर आना है, क्योंकि रात में वहीं छोड़ दिया था। कैंप करने का मन नहीं कर रहा था तो घर पे आके सो गए। आराम से टेंट लेकर आता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं सामान लूट करके। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और एक प्रॉब्लम हो गई कि मैंने गोप्रो जो है चार्ज नहीं किया। मतलब रात को मैंने ये जो मेरा ब्लूटूथ इंटरकॉम है ये वाला, इसको चार्जिंग पे लगा दिया था और गोप्रो चार्जिंग पे लगाना भूल गया। तो गोप्रो में बैटरी थोड़ी कम है, लेकिन बस एक एक्स्ट्रा बैटरी है जहाँ तक मुझे लगता है वो चार्ज है। और चार्ज नहीं भी हुई तो ये हमारे पास 20,000 mAh का पावर बैंक है जिसमें फुल बैटरी चार्ज है, तो रास्ते में से चार्ज कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चाय शाय पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से नूरपुर से। आगे जर्नी देखते हैं रास्ते में कैसी होने वाली आज, क्योंकि अभी हम हैं पहाड़ों पे। यहाँ से 30-40 किलोमीटर बाद पहाड़ खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सीधा हाईवे आ जाएगा। तो निकलते हैं। भैया देखने एक बार, हवा सही है? ठीक है ना, वो मिट्टी में दब रही ना तो ऐसा फील हो रहा है कि कम है। तो जी चल पड़े हैं हम यहाँ से। प्रदीप भाई जो है हमको बाहर तक छोड़ने जा रहे हैं, रोड तक। और बहुत ही खूबसूरत एरिया में रहते हैं ये, मज़ा आ गया यहाँ पर रुककर। सनराइज़ हो चुका है, देखो सनराइज़ हो रहा है। टेंट लगाया था पीछे, लेकिन फिर यार सोचा यार चलो घर में ही रुकते हैं, आज घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो घर में ही रुक गए थे, तो खाया पिया आराम से, आराम किया। अभी ये जो है नाला है, इसमें बारिश में पानी आता है। इधर चारों तरफ खेत है, खूबसूरत जगह है ये नूरपुर में। जसूर एरिया का नाम है जसूर। तो अच्छा माहौल है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन भी है नूरपुर रोड, और वो टॉय ट्रेन चलती है यहाँ पर। ये पटरी जो है देख रहे हो ना अब, ये टॉय ट्रेन वाली पटरी है। लो जी आ गए हम हाईवे पे। आगे तक छोड़ूं आपको रोड तक? ना ना ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप जाओगे ना? हाँ जी, 7-8 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर, हाँ 6-7 किलोमीटर एक जगह पड़ेगी गढ़वाल, वहाँ ना बैरियर होगा। हाँ, से आपने लेफ्ट ले लेना है। ठीक है, अंदर जाओगे ना सीधा आप पठानकोट पहुंचोगे, फायदा नहीं। नहीं नहीं, अंदर क्यों जा रहा है फालतू में। यहाँ से आप सीधा वहाँ से फिर कोई 9-10 किलोमीटर आप चलोगे ना। हाँ, बिल्कुल सीधे चलते जाना आपने। बिल्कुल सीधे उसी रोड पे ना, बीच में कच्चा भी आएगा रोड। सीधे 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 चल के ना फिर ऐसे चढ़ाई आएगी, चढ़ाई जाके सीधा पठानकोट दिख जाएगा लेफ्ट को। हाँ, वो सीधा ही जम्मू को गया रास्ता आपने लेफ्ट को। लेफ्ट को मतलब जलंधर साइड चला, जलंधर बाईपास है सारा। ठीक है जी, ठीक है फिर मिलते हैं रास्ते में। हाँ जी, हाँ जी, पहुँच के बता देना। हाँ, मैं जहाँ भी अगर आज स्टे किया कहीं तो भी बता दूंगा, अगर पहुँच गया तो भी बता दूंगा। ठीक है जी, ओके धन्यवाद। हेलो भाई, अब शुरू हो गई हमारी राइड। पठानकोट है यहाँ से 20 किलोमीटर, और ये रेलवे लाइन है टॉय ट्रेन वाली। अभी ट्रेन जा नहीं रही है, मतलब अभी ट्रेन है नहीं इस समय कोई। सुबह 5:30 बजे जाती है एक, और एक जाती है दोपहर में। और इधर पूरे माउंटेन रेंज है, तो अपनी जर्नी शुरू हो चुकी है आगे की। ठंडा मौसम हो रहा है एकदम, तो मैं रुक गया हूँ थोड़ा सा, चला था रुक गया। मैंने कहा मैप लगा ही लेते हैं, क्योंकि भाई ने रास्ता बता तो दिया है, लेकिन स्टिल कई बार क्या होता है कुछ डाइवर्जेंस आ जाते हैं, कुछ हो जाता है। चलो भाई, नाउ कंटिन्यू, ऑल सेट। सुबह जब राइड करते हैं ना अपन, तो काफ़ी ज़्यादा रास्ता जल्दी से कवर हो जाता है, क्योंकि देखो इस तरह से खाली रोड मिलते हैं। तो हमेशा जब भी राइड शुरू करो तो आप अर्ली मॉर्निंग शुरू करो। वैसे मुझे आज थोड़ा लेट हो गया, 7:30 बज गए। नूरपुर से पठानकोट जो है काफ़ी ज़्यादा लोग अप डाउन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा 20 किलोमीटर है, ज़्यादा है नहीं 20-25 किलोमीटर। तो दिन में जो है लोकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है इस रोड पर, तो अगर जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लोगे तो आपको 6-4 लेन हाईवे जल्दी मिल जाएगा। तो इस तरह से मतलब आपको देख के चलना पड़ता है जब ऐसी जगहों पर ट्रैवल करो कि जहाँ पर कोई बड़ी सिटी आसपास है, तो वहाँ से जल्दी निकल लो,
क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना आप ट्रैफिक में फंसोगे, फिर आपकी डेस्टिनेशन में पहुंचने में उतनी ही लेट हो जाएगी। तो अपना तो यही फंडा है कि जल्दी से जल्दी निकलो और जल्दी से जल्दी पहुंचो और ध्यान से चलाओ बस। पंजाब में वेलकम हो गया है हमारा पंजाब। अच्छा, पंजाब और हिमाचल के बीच में ब्रिज बना हुआ है, तो मतलब रिवर जो है बॉर्डर का काम करती है। यहाँ पर रिवर के उस तरफ पंजाब है और इस तरफ हिमाचल प्रदेश है, और ये हमारी जो है टॉय ट्रेन वाली रेलवे लाइन जा रही है हमारे लेफ्ट साइड में। तो अब हम पंजाब की तरफ बढ़ चुके हैं, पंजाब में एंट्री कर चुके हैं। और ये कौन सी नदी है मुझे इस नदी का नाम नहीं मालूम। तो पंजाब में तो काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से ही निकलती हैं। तो चील यहाँ पे उड़ रही है। अरे भाई भाई, क्या रोड आए हैं, जबरदस्त एकदम मक्खन मलाई, और ऐसे हैं एकदम जलेबी भाई। अभी करीब मैं 100 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लिया है, ठंड लग रही थी तो थोड़ी सी धूप सेक रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने रोड पर और देखते हैं कितना टाइम लगता है, आज कहाँ पहुँच पाते हैं। एक बात हमको समझ में नहीं आई कि भाई क्या सोच के जगह का नाम रखा है काला बकरा। अगर कोई यहाँ से है तो ज़रूर कमेंट में बताइए, इस रेलवे स्टेशन का नाम है भाई काला बकरा। चलो आगे बढ़ते हैं, काला बकरा पार। तो मैंने ना पायल को बोला है कि मैं अभी 11 बजे वहाँ से चला हूँ नूरपुर से, और मैं आज चंडीगढ़ स्टे मारूँगा और दिल घर कल आऊँगा। तो अभी पायल को जाके घर पे सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि मैं आज ही घर पहुँचने वाला हूँ शाम तक, और उसको लग रहा है कि मैं कल आऊँगा, लेकिन उसको दे देंगे हम तगड़ा सरप्राइज। तो पेट्रोल डलवाएंगे फुल करा लेते हैं, क्योंकि अभी तो बाइक सर्विस पे जानी नहीं, तो वहाँ पे कोई निकाल नहीं पाएगा। ये स्कैन का एक मिनट आगे लगा दो। तो यार सुसु हो गया थे। तो यार प्रदीप भाई ने पराठे पैक करके दिए थे, वो पराठे रखे हुए अपने पास, तो पराठे खा लिए जाए। ये है पराठे, थोड़ा साइड लगा लेते हैं फिर खाते हैं, टॉयलेट के बाद निकालेंगे। तो यार प्रदीप भाई ने पराठे और अचार पैक करके दिए थे, तो अब यही खाएंगे आज, बाहर का नहीं खा रहे कुछ भी। उनका अचार और गोभी का पराठा, यार बहुत ही टेस्टी पराठे हैं। और मैं तो हो गया काम आज का लंच का भी, अभी टाइम हो रहा है 11:37 हो रहा है। यहाँ पे कर लिया हमने अपना लंच, अभी तो वैसे 12 भी नहीं बजे, लेकिन मेरे को भूख सी लग रही थी तो मैंने पराठे खा लिए जो प्रदीप भाई ने पैक करके दिए थे, और बढ़िया मज़ा आ गया। पानी वानी पी लिया, हाथ वाथ धो लिए, अब चलते हैं आगे। पेट्रोल भी फुल हो गया, अब बीच में एक ब्रेक लेंगे अम्बाला के बाद,
और मैं अभी पहुंचने वाला हूं खन्ना। खन्ना है यहां से करीब 20 किलोमीटर। तो मैं अभी क्रॉस कर रहा हूं पानीपत, और अब मुझे अपना मैप अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे दिखा रहा है पानीपत पीछे रह गया, क्योंकि मैंने पानीपत का ही डेस्टिनेशन डाला था। तो अभी जो है इसकी डेस्टिनेशन चेंज कर देंगे हम, और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हम राइड करेंगे। नेक्स्ट हम डालते हैं डेस्टिनेशन मूर्थल। कितना यहाँ से 37, चलो मूर्थल ही डाल देते हैं, फिर उसके बाद डालेंगे अपने घर की। 37 किलोमीटर 36 मिनट लगेंगे। तो देख लो यार, इस तरह से की जाती है लॉन्ग राइड्स एक दिन में। तो अभी मतलब 520 किलोमीटर की राइड आज हो पाएगी, मतलब नूरपुर से दिल्ली, मतलब मेरे घर तक। और मैं चाहूँ तो आगे की राइड भी कर सकता हूँ, मतलब एक दिन में मैं 700 800 900 किलोमीटर भी राइड कर सकता हूँ अगर डेस्टिनेशन आगे की हो तो। लेकिन अभी तो अपने को घर ही जाना है, तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं यहाँ से। बहुत सालों तक हमने यहाँ पर इस हाईवे पे ट्रैफिक झेला है, फाइनली ये हाईवे जो है बन रहा है। अब ये 8 लेन हो गया है, पहले 6 लेन हुआ करता था, तो 8 लेन हो गया, तो और ज़्यादा ट्रैफिक स्मूथ चलता है इस पर और स्पीड में चलता है अभी। लेकिन कुछ कुछ पैचेस हैं जहाँ पे अभी काम चल रहा है, लेकिन बन गया है 8 लेन पानीपत तक, तो मज़ा आएगा, जल्दी जल्दी पहुँचेंगे आने वाले टाइम में। तो पहुंच गया फाइनली मैं मूर्थल, अब यहां से बस 50 किलोमीटर रह गया घर, तो फटाफट खींच देते हैं और घर पे मिलते हैं सीधा। अब नहीं नहीं सीधा नहीं, बीच में कुछ होगा तो दिखाएंगे। अच्छा यार, मैं ना आज नहीं पहुंच पाऊंगा, अभी बहुत जाम लग रहा है यहां पे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ओके। हो गई भाई दिल्ली में एंट्री, पूरे 4:30 बजे हम आ गए हैं दिल्ली में। वेलकम टू दिल्ली। तो मैं चला था सुबह 7:30 बजे, 7:30 बजे से 4:30 बजे तक हम पहुंच गए हैं दिल्ली। करीब 500 किलोमीटर की राइड हो गई है और टाइम लगा है करीब 9 घंटे। कैसी भूत जैसी शक्ल हो गई है, पूरी धूल मिट्टी चिपक चुकी है मुंह पर। तो मैं जो है पहले नहा के आता हूँ, और पायल जो है ऑफिस से चल चुकी है, रास्ते में आने वाली है, आधे घंटे में आ जाएगी, उसको देते हैं सरप्राइज़। वो सोच रही है कि मैं आज चंडीगढ़ में स्टे कर रहा हूँ, और उसको पता नहीं है मैं घर आ चुका हूँ। तो पायल आ चुकी है, देखो रिएक्शन। तुम ऐसे छूट कैसे बोलते हो? मैं तो इसलिए लोकेशन नहीं भेज रहे थे ना, मुझे शक हो गया था पहले, पता है। तेरे को कोई शक वक नहीं हुआ? बंद करो ना इसे। क्यों? कैमरा बंद करो ना। नहीं मुझे शक हो गया था, मैं सुबह से लोकेशन मांग रही थी तुमसे। हाँ तो लोकेशन दो, लोकेशन दो। बाइक चला रहा हूँ, तुम बाइक चला चला लोकेशन थोड़ी दूंगा। नहीं कल सुबह सुबह भेज दी थी। हाँ तो अच्छा, अब बताइए मैडम, आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा था आपका सरप्राइज वाला? मुझे पता लग गया था। अबे चल, ये ना हर कोई बोलता है, ये हर कोई बोलता है सरप्राइज के बाद। नहीं यार बहुत अच्छा लगा, हमेशा ऐसे आया करो, पहले आया करो, बाद में आके सरप्राइज नहीं दिया करो। बाद में सरप्राइज थोड़ी होगी, बाद में तो शॉक होगी। हाँ तो आज सुबह से मैं बोल रही थी तुमसे लोकेशन भेजने को, तुमने भेजी नहीं। हाँ तो मेरे को लगा था, मेरे को थोड़ा सा तो डाउट हुआ था, दया दाल में कुछ खा ला है। मजा आ गया, मतलब मेरा आना सफल रहा दौड़ा दौड़ा के। कितने दौड़ा दौड़ा के? 520 किलोमीटर चलाई है बाइक मैंने आज। तुमसे कहा था ना आराम से चलाया करो। आराम से ही चलाई है। दौड़ा दौड़ा के क्यों बोल रहे हो फिर? अरे मतलब रुका कम ना, मैं स्टॉप नहीं लिए मैंने। हाँ, अब चल फिर व्लॉग एंड कर।
बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। निशांत जी घर पर पधार चुके हैं और हमें ये देख के बहुत खुशी हुई है। इनका वैसे आने का प्लान कल का था, ये एक दिन पहले आ गए हैं। मैं सुबह से इनसे बोल रही थी मुझे लोकेशन दो लेकिन इन्होंने दी नहीं। लेकिन बाय बाय, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।